हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार में निकलेगी नौकरियों की भरमार। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो देखिए, बिहार में आने वाले कुछ समय में आपको बहुत सारी नौकरियाँ देखने को मिलेगी, तो अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले 3 माह में 1.99 यानी कि हम कह सकते हैं कि करीब 2 लाख भर्तियां होने वाली हैं, और मार्च 2025 तक 5.17 यानी कि 5.25 लाख हम मान के चल लीजिए, ये 5 लाख नौकरियां जो है होने वाली हैं। तो अभी 2 लाख और 2025 तक जो है ये 5 लाख भर्तियां जो है आपकी होने वाली है। तो सभी से कहूँगी कि अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो जितने भी पद खाली हैं उसमें अधियाचन जो है भेजा जा चुका है, और इसके बाद जो है ये भर्तियां भी आपको जल्द ही जल्द देखने को मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष, मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊँगी कि क्या कहा गया है। देखिए, यहाँ जो कहा गया है वो मैं इस पर ले आती हूँ। तो देखिए, नीतीश कुमार ने अधिकारियों और भर्ती आयोगों को 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी व रोजगार देने के लक्ष्य के बचे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बने। इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव, तो सभी मिलाकर जो है ये भर्तियाँ पूरी करेंगी। अगले 3 महीने में 2 लाख भर्तियां होंगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं विभागों की रिक्तियों का ब्यौरा दूँ, अब तो आपने जान लिया कि 5 लाख भर्तियां आपकी आएंगी 2025 तक। और विभागों की बात करें कि कौन से विभाग में, तो देखिए, सभी विभागों से अब तक करीब 4.73 लाख रिक्त पदों की सूचना एकत्र होने की जानकारी सामने आई है। और सबसे अधिक, देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ जाता है वो ये है कि सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली है, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य, तो तीसरे नंबर पर गृह विभाग है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी जानकारी है कि शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद खाली हैं। तो जो भी शिक्षा विभाग में भर्ती लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा मौका है जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए, कि इस बार अपनी एक सीट पक्की कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ही दिया गया है, और पेपर लीक रोकने को बनेगा कानून, और अगले सत्र में आएगा बिल। तो पेपर लीक होने को भी रोका जाएगा, तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और ये भर्तियों का ब्यौरा है कि कितनी भर्तियाँ जो है होने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये तो बिहार के बारे में जानकारी थी जहां आपको इतनी भर्तियां देखने को मिलेगी। वहीं बात अगर यूपी की करें तो देखिए, एक तरफ एक राज्य जहां बिहार में हमें इतनी भर्तियां देखने को मिलती है, वहीं पे यूपी की भर्ती पे अगर हम आ जाएं, क्योंकि यहां यूपी की TGT PGT की भर्ती, इसके अलावा बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ये भर्ती पिछले 1.5-2 साल से अटकी पड़ी है। उसके अलावा नई कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटकी, तो ये हाल हमारे यूपी का हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और भर्तियों की बात मैं करूँ तो देख सकते हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता और महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले तकरीबन 7,500 रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुकी है, तो साल भर पहले, ठीक है। और जो CM की बैठक हुई थी उसमें भी इन भर्तियों को शीघ्र ही शुरू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी ये भर्ती जो है, इनके विज्ञापन जो है अटके हुए हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन जो है 2018 में आया था, और तब 10,768 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, ठीक है। और समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण हिंदी जैसे विषय में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तक जारी है, ये विवाद भी अभी तक अटका हुआ है। वहीं परीक्षा में हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पेपर लीक होने के आरोपों के कारण इन दोनों विषय के परिणाम
देर से जारी किए गए थे। ठीक है, आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से यह भर्ती कराई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के करीब 6000 पदों का अधियाचन साल भर पहले मिल चुका है। तो एक साल पहले ही इसका जो है कितना एलटी ग्रेड में सीट्स खाली है इनके बारे में बता दिया गया था, लेकिन फिर भी इस पर कोई आगे इसकी जो विज्ञापन है वो नहीं निकाली। वहीं पे बात करें राजकीय महाविद्यालय की, तो यहाँ भी 350 पदों का अधियाचन जारी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ भी ये पद जो है ये भर्ती जो है नहीं निकाली गई। आयोग को 6 माह से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतज़ार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीएम ने जो है इन सभी भर्तियों के ऊपर लगा दिया था कि जितनी भर्तियां हैं जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये बहुत दुखद बात है, जहां एक तरफ बिहार में हमें ये मिल चुका है कि 2025 तक 5 लाख भर्तियां होनी है, वहीं पे बात करें यूपी की तो जो भर्तियां अभी स्पेशली बात यहाँ मैं शिक्षा विभाग की करूँ तो कोई भी भर्ती इतने टाइम से नहीं निकाली गई है। जो पुरानी भर्तियां हैं उनको पूरी नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये एक दुखद बात है यूपी के लिए कि अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो चलिए, जो भी जानकारी है मैंने आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से दी है, आगे भी ऐसे ही मैं जानकारी देती रहूँगी। फिलहाल आपके सामने ये वैकेंसी आने वाली है, अगर अभी नहीं तो कुछ समय में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप सभी अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करें, चाहे बिहार में करें चाहे फिर यूपी में करें। तो यूपी में भी आपकी सीट्स ये अभी नहीं तो कुछ समय बाद जो है आपको ये सीट्स ज़रूर देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड भी आ जाएगी, राजकीय महाविद्यालय की आ जाएगी, टीजीटी पीजीटी की आ जाएगी। तो इन सभी भर्तियों का इंतज़ार जो है सभी को है। तो यहाँ विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने इन सभी भर्तियों पर तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो तैयारी शुरू कर दें, अभी से लग जाएं इन तैयारियों पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।